हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी की सलामती हो जो ग्लोरियस एचडी टेलीविजन देख रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं। खुदावंद आपके साथ हो। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फ लिखी गई अंजील जलील उसके 18वें बाब को सुनिए। वहाँ पर एक ख़ास वाक्या होता है जब लोग यहूदी प्यादे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं। शायद मैक्सिमम लोग इस कलाम से वाकफ नहीं है, लेकिन इस गौर से सुनिए और वाकफियत हासिल करके दूसरों तक इस कलाम को पहुँचाइए। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कद्रून के नाले के पार गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। पास उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे तो कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका कौल वो कौल पूरा हो जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उनमें से किसी को भी न खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दहना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया क्या मैं उसे न पीऊँ? पस सिपाहियों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के इस प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन कायफा का ससुर था। ये वही कायफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, इस उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। और शमौन पतरस यीशु के पीछे हो लिया और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था और यीशु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाना में गया, लेकिन पतरस दरवाजे पर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लौंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे झाड़े के सबब से कोयले दहका कर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहिन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं, मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहां सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा, तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों में से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा, देख उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई को पर गवाही दे, और अच्छा कहा है तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहिन कायफा के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था
पास उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके शिगिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था, उसके एक रिश्तेदार ने, जो सरदार काहिन का नौकर था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दे दी। फिर वो यीशु को कायफा के पास किला को ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में न गए ताकि नापाक न हो बल्कि फसा खा सकें। पस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्हें जवाब दिया, मैं कहा उनसे कहा, अगर ये बदकार न होता तो हम इसे तेरे हवाला न करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफ़क इसका फैसला करो। यहूदियों से कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारें। ये इसलिए हुआ यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीके की तरफ इशारा करके कही थी। पास पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तूने ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया, तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, पास तू क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूँ। जो कोई हक से है मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर कि वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारी खातर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा, इसको नहीं लेकिन बराबा को। और बराबा एक डाकू था। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह खुदावन की बरकत हो। सो अजीज़ो, देखो आपने कैसे इस बात को पढ़ा और सुना है। क्या कभी पहले इस बात को पढ़ा आपने या सुना कि जब यीशु मसीह को गतसमनी बाग के अंदर यहूदा पलटन और प्यादे लेकर आता है तो यीशु मसीह उनसे पूछता है कि तुम किसे ढूंढते हो? तो उन्होंने कहा, यीशु को जो नासरी कहलाता है। तो यीशु ने कहा कि मैं ही हूँ। जब यीशु मसीह ये बात कहता है कि मैं ही हूँ तो सारी की सारी पलटन ज़मीन पर गिर जाती है। तो ये एक अजीब वाक्या उनके दरमियान होता है। आप इस कलाम को ज़रूर सुनिए, पढ़िए और दूसरों तक शेयर करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सभी को बरकत दे और हमेशा आप सभी के साथ हो। मेरी दुआ है खुदा आपके ख़ानदान को, आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को बरकत दे और हर तरह की बीमारी, तपाली, वबा, कमी कमज़ोरी, अबलीस के मंसूबे, जादूगरों के इलम, बंदिश, रुकावट, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। हर किस्म का कैंसर, पत्थरियाँ, रसौलियाँ, हरनियाँ, गिल्टियाँ, हेपेटाइटिस सी बी के सारे साथ, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड शुगर की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, गेंटिया, अठरा, टीवी, मिर्गी, बे औलादी की बीमारी, मोरों की दर्द, मोरों का गैब, खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे और आप यीशु मसीह में शिफा पाएँ, कामल शिफा पाएँ और हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावन आप सबके साथ हो। आमीन, 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 आमीन।